हरिओम, आज मैं भावेश खैरनार आप सभी को डीसी मोटर कैसे वर्क करती है उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डायग्राम गिवन है, तो इस डायग्राम में सबसे पहले तो हम डायग्राम समझेंगे। तो ये देखो, ये जो दो पोल है, ये नॉर्थ और साउथ, ये दो पोल है ये, और ये मैग्नेट के पोल्स है। तो और उसके बीच हमने लगाया है एक आर्मेचर। ये एक बेसिकली एक स्ट्रिप ऑफ मेटल रहती है जिसके ऊपर मतलब वायर बाउंडेड रहती है, नहीं तो एक वायर की एक लेयर रहती है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये थोड़ी सी डार्क है, ये इस पर एक वायर की एक लेयर है। फिर उसको हम एक कटेड रिंग से हम उसको कनेक्ट कर देंगे, दो कटेड रिंग से कनेक्ट कर देंगे। इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, और ये कम्यूटेटर जो है वो करंट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। और फिर बाद में जो ये हमने एक ग्रेफाइट ग्रेफाइट ब्रश लगा दिया या कार्बन का ब्रश लगा दिया, और ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये जो मतलब सॉफ्ट टाइप का मेटल रहता है, और इसी को हमने एक बैटरी से कर दिया कनेक्ट। फिर अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो अपने को पता है कि जो करंट है वो प्लस से तो माइनस में जाता है, तो इधर जो करंट रहेगा वो करंट इस तरफ फ्लो करेगा, तो इधर से भी अपवर्ड जाएगा, करंट इधर से ऐसा फ्लो करेगा। ये करंट ऐसा फ्लो करने के बाद वापस एंटर हो जाएगा नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। फिर अब हमको पता है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये दोनों एक मैग्नेट है, तो इसके अंदर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ साउथ की तरफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड को मैं रेड से कर दूंगा, और जो करंट है उसको पिंक से कर देंगे, ये रह गया करंट। अब अगर हम इसको दो तरीके से पता कर सकते हैं कि फोर्स किस तरफ है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड थंब रूल करेंगे, नहीं तो राइट हैंड पाम रूल करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि एडी, सबसे पहले तो ये आर्मेचर है, हाँ आर्मेचर है, तो इधर सबसे पहले तो इसको हम इसके नाम दे देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो अभी हम किसका निकाल रहे हैं, हम ए डी का निकाल रहे हैं। ए डी में अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है और करंट का भी डायरेक्शन पता है, तो अपने को अभी निकालना है फोर्स का डायरेक्शन। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा जो एडी है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इनवर्ड का बेसिकली हम सिंबल में ले सकते हैं ये वाला सिंबल, तो एडी जो है इनवर्ड जा रहा है। तो हमको इससे पता चल गया कि फोर्स फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड जाएगा। और वही अगर हम बीसी की बात करें, तो जो बीसी है उसमें अपने को पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रेड से बना दिया, और जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे तरफ है, तो इसमें करंट बना देंगे, ये पता चल गया करंट। तो अगर इसमें अपने को पता चलता है जो एडी इनवर्ड जा रहा है, हाँ, और वही अगर अभी अपन बीसी का पता करेंगे, जो बीसी है वो अगर हम लेफ्ट हैंड थंब रूल से करेंगे, नहीं तो राइट हैंड पाम रूल से करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो बीसी है वो आउटवर्ड की तरफ जा रहा है। तो अगर एडी इनवर्ड जाएगा और बीसी आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड के लिए हम ऐसा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, हाँ, तो अपने को पता चल गया कि एडी जो है वो इनवर्ड जा रहा है, और जो वही बीसी जो है वो आउटवर्ड जा रहा है। तो अभी इस वजह से जो एडी पर जो फोर्स है
वो इनवर्ड तरफ लगेगा और जो बीसी पर है वो आउटवर्ड तरफ लगेगा, तो उसी की वजह से ये रोटेट होने लग जाएगा। तो रोटेट होगा, तो रोटेट होने के बाद जो हमारा एडी है वो बीसी, एक बार रोटेट होगा तो वो एडी जो है वो बीसी की जगह पर आ जाएगा, और जो बीसी है वही एडी की जगह पर आ जाएगा। तो भाई बीसी पर भी वही लगेगा जो एडी के साथ हुआ, वो भी इनवर्ट तरफ ही जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमारा आर्मेचर है वो घूमने लग जाएगा और यहाँ पर अपने मोटर का एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा। हरिओम, हैव अ नाइस डे।